क्वेश्चन है मूविंग कॉइल यंत्र और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कंपेयर करना है, ठीक है, तो कौन अच्छा होता है ये देखना है कंपेरेटिव। तो जो मूविंग कॉइल यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज जो है केवल डीसी करंट मेजर करने के लिए किया जाता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट जो है प्रयोग किया जाता है, स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। यह सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इससे, ठीक है। दूसरी बात करें कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कम मजबूत होता है, इसकी बनावट जो है कम मजबूत होती है और इसमें जो विद्युत शक्ति है उसका अव्यय कम होता है, ये अच्छा है पॉइंट इसका, इसमें इलेक्ट्रिकल व्यय जो है कम है, ठीक है, एनर्जी का। इसका उपयोग जो है हम वोल्टमीटर के रूप में आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इसका यूज एसी और डीसी दोनों के लिए, विद्युत धारा दोनों मेजर करने के लिए इसका कर सकते हैं, एसी प्रकार के और डीसी प्रकार के दोनों, ठीक है। और इसमें जो चुंबक है, विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या प्रयोग किया जा रहा था, अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट, इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है। यह कम सेंसिटिव होता है और इसके द्वारा ली गई जो माप होती है, जो वैल्यू मेजर करते हैं, वो थोड़ा कम एक्यूरेट होती है, ठीक है। और बनावट की बात करें तो इसकी बनावट जो है ज़्यादा मजबूत होती है कंपेरेटिव हो, ठीक है। उसकी बनावट जो मूविंग कॉइल यंत्र है उसकी बनावट क्या होती है, कम मजबूत होती है, और इसकी बनावट अधिक मजबूत होती है। इसमें विद्युत शक्ति व्यय जो है अधिक होता है और उसमें क्या था पॉइंट कि विद्युत शक्ति व्यय कम होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग अगर करें तो वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता, और इसमें क्या था कि इसका प्रयोग जो है उपयोग जो है वोल्टमीटर के रूप में कर सकते हैं। तो ये